उत्तराखंड में शूटिंग हो रही है, कौन सी फिल्म है, कौन सी सेट है, कुछ बताएं। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस फिल्म की शूटिंग हम कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से और ठंड तो लगातार बढ़ती ही जा रही है और एक्टर के लिए तो ज़्यादा ही चैलेंजिंग होता है ठंड में, हमें इतने कपड़े तो मिलते नहीं हैं शूट करने के लिए। हाँ, कुछ तबीयत भी खराब हुई है इसमें, लेकिन इसके बावजूद हमने मिलके इतना अच्छा काम किया है कि आप लोग को देख के बहुत मज़ा आएगा। यस सर के तो फिल्म में आपको देख के मज़ा आता ही है और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे भी उनके साथ देख के आप लोग ऐसा रहा। यस सर के साथ ही फोर्थ फिल्म है मेरी, तो उनसे एक अच्छी फाउंडेशन। क्या शिकायतें हो रही है मेरी बेटे पे? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं जानती हूँ क्यों आया हूँ, क्योंकि टाइम बच जाए। हाँ, ताकि दोनों एक साथ तो क्या नर्वस, इनको मजा क्या नर्वस कर रहे थे आप लोग मेरी हीरोइन को? नर्वस नहीं भैया, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आज उत्तर प्रदेश में आपकी फिल्में लास्ट क्लाइमेक्स से पैकअप हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फिल्में हो चुकी हैं इन दिनों, मेरे ख्याल से मेरे 25 फिल्में, पिछली 25 फिल्में उत्तर प्रदेश में ही हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही हूँ तो, और मैं किसी एक जगह का हूँ नहीं, हर घर में दिखता हूँ तो हर घर का हूँ, तो समस्त भोजपुरी दर्शकों को यश कुमार का बधाई। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर भैया दर्शकों? शंखनाद फिल्म का नाम है और एक अच्छी फिल्म है, एक अच्छी कहानी है और हमारे साथ कितनी खूबसूरत सी अभिनेत्री। भाई जब आपका नाम नहीं नहीं ये नहीं ये जो ये होना चाहिए था। भाई जब रक्षा आपका नाम क्या है? चार फिल्म करने के बाद सवाल पूछ रहे कि नाम नहीं, लेकिन नाम पूछने का तरीका देखे, वो था ना बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो वो मैंने जोक मारा कि भाई जब तुम्हारा नाम क्या है रक्षा। रक्षा गुप्ता इतनी प्यारी अभिनेत्री है, मैं कहीं जल्दी नहीं करता हूँ, पर हाँ ये एक अच्छी अभिनेत्री है, एक अच्छी नृत्यांगना है, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसी एक में यदा कदा मिलता है। कोई अभिनय कर लेता है तो डांस में वीक होता है, कोई डांस कर लेता है तो अभिनय में वीक होता है, कमजोर होता है, पर रक्षा गुप्ता के अंदर ये दोनों क्वालिटी है। सो माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विद हर कि अच्छा काम करें। हम लोगों ने चौथी फिल्म साथ में काम की है और इसके बाद हमारी अगली जो पांचवी फिल्म है उसका नाम है मिट्टी। मिट्टी बहुत खूबसूरत फिल्म है, हार्ट टचिंग इमोशनल फिल्म। जिस तरह आपकी फिल्में का नाम होता है, कहीं नागिन है कहीं बांसुरी लेके, तो उससे मतलब अलग किरदार में ये चीज़ आप देखते हैं, तो ये शंखनाद तो कैसे हटके उस स्टोरी से आपको अलग लगता है प्रेरित करती है? मैं भेड़ चाल में चलने के लिए, मैं जब स्टार्टिंग में आया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भेड़ चाल में काम होता है, वही ठाकुर, वही बाहुबली, वही ठाकुर की बहन से प्यार, वही ठाकुर की बेटी से प्यार, वही हीरो जाता है चैलेंज करता है तो दामाद बन के दिखाई, थोड़ी बेटी का अवतार बन के दिखाई, तो वो सब देखते देखते जब मैं पक गया तो मुझे लगा कि यार कुछ अलग करना चाहिए, कब तक हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक ही ढर्रे पे चलती रहेगी। तो इसकी शुरुआत 2015 में मैंने की, रंगदारी टैक्स फिल्म की मैंने, श्री प्रकाश शुक्ला की बायोग्राफी थी जिसमें मैं श्री प्रकाश शुक्ला बना था और अपना सर्वर मुड़वा दिया था, मैंने टकला हो गया था मैं उस फिल्म के लिए, और उसके बाद जब मेरा 15 दिन का बाल निकला तो मैंने उसकी शूटिंग शुरू की थी, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट उस समय शुरू किया था। फिर मैं उसके बाद सोचा कि ग्राफिक लेके आया जाए।